हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती लाइफ स्टाइल। और मैं हूँ आरती। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खे वाला फेस मास्क लेकर आई हूँ। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही इजीली आपके किचन में ये सामान मिल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस टाइम मैं अपनी किचन में वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बाहर से लाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ों से ही आप अपनी स्किन की कितनी अच्छे से केयर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट आता है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप मेरी वीडियो को और मुझे इस तरह से ही प्यार करते रहिए, जिससे कि और भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो फाइनली बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले कर लीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड सारा शेयर जरूर कीजिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी मैं आपको होममेड रेमेडी बताऊँगी, वो आपको क्या करना है, कंटिन्यू लगानी है। जैसे कि आप उसको डेली लगा सकते हैं, दिन में दो बार लगा सकते हैं, फिर एक दिन छोड़ के लगा सकते हैं, जैसे भी आप फ्री हो। अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, अपनी स्किन के लिए टाइम निकालिए। जैसे आप घर का काम करते हो, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि अपने ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती, अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो घर के साथ साथ आपका अपना खुद का भी अच्छे से ख्याल रखिए। सो ये थी ये बातें जो मैंने आपको बताई। और ये फेस मास्क क्या करेगा आपकी स्किन के लिए, आपके जो भी पिंपल्स हैं इस और पिंपल्स के जो स्पॉट होते हैं वो, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो उसको ग्लो करने के लिए एंड काफ़ी हद तक ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लो करता है। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को हम देख लेते हैं कि इस फेस मास्क को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से मैंने बनाया है, और उसके बाद मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी अपने फेस पे। मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक छोटा सा बाउल, या कुछ भी ले सकते हैं आप कटोरी। यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच बेसन लिया है, और आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने फ़िलहाल अभी थोड़ा सा ही बना कर दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच बेसन के साथ एक चम्मच दही लिया है, और बेसन हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और दही भी हमारे फेस पर बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है, और हल्दी भी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। और इसी के साथ मैं लूँगी रोज़ वाटर। तो ये चीज़ें नॉर्मली सभी के घर में होती हैं, बेसन, हल्दी, दही, रोज़ वाटर। तो इन्हीं चीज़ों को मिलाकर ये मैंने अपना फेस मास्क बनाया है। इसकी क्वांटिटी मैंने एक एक चम्मच रखी थी, एक चम्मच दही की और एक चम्मच बेसन की, और हल्दी चुटकी भर लेनी है, और रोज़ वाटर अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी, जैसे कि आपका पेस्ट कैसा चाहिए, थिक, पतला, मीडियम, उसी तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। और आप इसको स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप 2-3 बार यूज़ करने के लिए बना के एक बार फ्रिज में किसी छोटे से कंटेनर में रख दीजिए, तो आप इसको ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फेस मास्क रेडी है। तो यहाँ पर मेरा फेस मास्क रेडी हो गया, और इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, और इसको अपने पूरे फेस को ना अच्छे से क्लीन करने के बाद अप्लाई करना, जिससे कि कोई भी मेकअप ना हो आपके फेस पे। इसे मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। यहाँ पर मैं हाथों की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो फेस मास्क वाला ब्रश आता है आप उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको अभी हैंड से लगा रही हूँ क्योंकि हाथों से काफी अच्छे से लग जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, और ठंडा ठंडा अगर आप गर्मियों में अपने फेस पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट भी देगा उसी के साथ। आप चाहें इसे तो नेक पे भी लगा सकते हैं, बट मैं भी नेक पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं भी नहा कर ही आई थी, और उसके बाद मैं इसे लगा रही हूँ। और आप चाहें तो इसे नेक पे लगा सकते हैं और हैंड पे लगा सकते हैं, जहाँ आपको लगे। और ये टैनिंग का काम भी काफ़ी अच्छे से करता है, अगर आपको टैनिंग हो गई है तो वो टैनिंग को भी दूर करेगा। हल्दी एंड दही, रोज़ वाटर, बेसन हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं,
हमारी फेस पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और हमारी स्किन को बहुत हेल्दी एंड नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल नहीं है, घर की चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। इसे मैं 10 से 15 मिनट अपने फेस पे रखूँगी, उसके बाद मैं इसको फेस वॉश कर दूँगी। मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं मेरा फेस ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अब इसे मैं फेस वॉश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, देख सकते हैं मेरा फेस वॉश हो चुका है और आप फर्क देख ही सकते हैं। सी मैंने इसको आज ही अप्लाई किया है और काफ़ी अच्छे से इसका थोड़ा सा ग्लो मुझे दिख रहा है। अगर इसको मैं 1 वीक तक लगाऊंगी तो मेरी स्किन काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही थी। होप आपको ये मेरा फेस मास्क पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलूंगी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए।